बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रब्बी ज़िदनी इल्मा जज़ुल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद मा वहालू टुडे आवर टॉपिक इज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन राइट सो हियर दिस इज व्हाट कैटालिटिक रिडक्शन रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हियर यू सी दैट हाइड्रोजन इज एडेड

अब अगर आप फोकस करना चाहें कि ये कैसे हुआ है सारा तो दैट इज वेरी सिंपल ये आपके पास जो हाइड्रोजन है बेटा ठीक है ना ये हाइड्रोजन गई कहाँ है इसने किया क्या है ये दो हाइड्रोजन है ना दो हाइड्रोजन आइटम है एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल तो एक हाइड्रोजन आइटम कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन आइटम ऑक्सीजन पे जाके ऐड हो गया जस्ट एडिशन हुई है एडिशन ठीक है हाँ तो कैसे एडिशन हुई है दो हाइड्रोजन आइटम में एक कार्बन पे गया दूसरा ऑक्सीजन पे गया और जब एडिशन में आपको पता है डबल बार्ड सिंगल में तब्दील हो जाता है तो आप देख लें फिर आ, क्या बनोगा ये मिथाइल अल्कोहल ही बनेगा मिथाइल अल्कोहल ही बनेगा तो देख लो एक हाइड्रोजन जब कार्बन पे जाएगा तो ये सी आई टू की जगह सी आई थ्री बन जाएगा तो ये आ गया सी आई थ्री और ऑक्सीजन के साथ दूसरा एच गया तो ओ एच बना ये ओ एच ठीक है डबल बार्थ सिंगल हो गया यहाँ देखें जी ये आपके पास ऐसे तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन आइटम कार्बन पे दूसरा ऑक्सीजन पे ऐड हुआ डबल सिंगल में तब्दील हुआ तो आप खुद देखो ये सी एच थ्री बन गया हाइड्रोजन एड होने पे ये बन गया, और ये OH बन गया, तो OH. हाइड्रोजन ऐड तो करो वही डबल बॉन्डेड जो दोनों आइटम है कार्बन ऑक्सीजन उस पर जाके ऐड होगा तो अब एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड हुआ दूसरा ऑक्सीजन पे ऐड हो गया डबल सिंगल में तब्दील हो गया तो ये क्या बनेगा सी एच थ्री हाँ जी आगे सी एच और साथ ओ एच और साथ सी एच थ्री तो यही चीज बनी है इधर हाँ जी सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री है तो अगर आप अब एक दूसरी और नई बात, बात बताऊं आपको पॉइंट वो ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है जबकि ये क्या है ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो मजीद दो कार्बन से है तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि एल्डिहाइड जो है ना एल्डिहाइड

वो कार्बन ग्रुप पे ऐड होगी एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे दूसरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ठीक है ओके अब नेक्स्ट स्लाइड पे भाई मजा आया ना वेरी सिंपल रिएक्शन वेरी सिंपल जिस तरह डबल अल्किन में आप एडिशन करवाते थे हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन करवाते थे ना हाँ ऐसे ही, ही हुई है आ, डबल बॉन्डेड कार्बन पे होता था यहाँ चूंकि डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन है तो इस पे ऐड हो जाएगी तो सो सिंपल जी बेटा अब हमारे पास है जी रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड हां जी ये किसका फार्मूला है ये इसका फार्मूला है NaBH4 किसका है जी NaBH4 का है NaBH4 ये खड़ा है NaBH4 NaBH4 समझ आई अच्छा अब ये इस दफा जो रिडक्शन होगी वो उसका क्या मैकेनिज्म क्या होगा पहले ये बात है कि मैकेनिज्म तो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ही आप ये देखें कि ये जो कन्वर्जन हुई है बेटा ये मैथान से मैथानोल से प्रोपानोन से से टू प्रोपानोल हाँ जी तो यहां से, अब दो बाते, दो बातें बातें तीन बाते आपको बताना चाहता हूँ पहली बात यह है कि जब रिडक्शन होती है रिडक्शन क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ बेटा ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना ये हाइड्रोजन देगा तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी समझ आई तो डिशन ऑफ हाइड्रोजन किस पे होगी जस्ट लाइक अभी हमने देखा हाँ जी कार्बोनिल uh, जो है ना वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बाढ़ जो है वो तब्दील हो जाता है अल्कोलिक ग्रुप में ठीक है पिछली स्लाइड में हम कैटालिटिक रिडक्शन में हम ये देख चुके हैं तो इधर भी उसी तरीके से जो कार्बोनिल है वो आपके पास अल्कोलिक ग्रुप में तब्दील हो जाएगा और इधर भी ऐसे ही तब्दील हो जाएगा अच्छा तो बाकी बात भी वही है uh, कि जो आपके पास एल्डिहाइड uh, है दोनों एल्डिहाइड वो बेटा प्राइमरी अल्कोहल में बदल रहे हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है दोनों ठीक है और जो आपका है कीटोन वो सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल में ठीक है प्रोपेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल में ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर दो कार्बन सटैच है तो वही बात है पिछली स्लाइड वाली कोई नई बात नहीं है नई बात uh, कौन सी है वो ये है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे ये रिएक्शन आउट करवाता है ठीक है ना तो इसके लिए अब हम बाकायदा मैकेनिज्म पढ़ेंगे लेकिन मैकेनिज्म से पहले एक बात आपको ये बताना जरूरी है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हाँ जी ये कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन को ये रिड्यूस करता है बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हाँ अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो ये उसको रिड्यूस ना करवाता ठीक है ना हाँ आ, आ, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन ऑक्सीजन डबल बाड को तो रिड्यूस करवाता है कि इधर भी हाइड्रोजन आ गई और इधर भी हाइड्रोजन आ गई हाँ जी हाँ और इधर जो डबल बाड है ये सिंगल में तब्दील हो गया तो ये तो काम करता है लेकिन ये अलकिन के साथ ऐसा नहीं करेगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाए और डबल सिंगल ऐसा नहीं करवा सकता ठीक है तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसकी लिमिटेशन है तो ये बात अपने माइंड में रखनी बाकी जहां तक ताल्लुक है लेना जरूरी समझता हूँ। आप थोड़ा यहाँ देखें ये कहता है, ठीक हो गया। दो स्टेप है इसके नंबर वन क्या है रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड

सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना एन ए बी एच फोर हाँ जी ये जब आयोनाइज हुआ है ना तो ये आयोनाइज हुआ है सोडियम आयन में और साथ बी एच फोर में ठीक है बी एच फोर में तो ये ऊपर नेगेटिव साइन है हाँ जी फोर अच्छा तो ये इसमें ना ये आयोनाइज हो गया एन ए बी एच फोर सोडियम आइन अलग और बी एच फोर नेगेटिव अलग ये जो बी एच फोर नेगेटिव है ना इसको कहते हैं टाइट्रा हाइड्रो क्योंकि चार हाइड्रोजन है, है ना टाइट्रा हाइड्रो और बोरेट अब जो थ्री आया है वो बोरोन की ऑक्सीडेशन नंबर है बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर थ्री है ना तो ये उसके बाद जो है ये ये जो एंटिटी है ना जिसको टाइट्रा कहते हैं आइन थ्री आइन ये बड़ी काम की चीज है ये क्या करता है बोला ये बेटा ये काम करेगा बी एच फोर नेगेटिव एच नेगेटिव दे देगा क्या दे देगा एच नेगेटिव दे, दे देगा एच नेगेटिव जो है ना वो जब निकल जाएगा पीछे क्या बचेगा पीछे जहर है बी एच थ्री बचेगा बी एच थ्री बचेगा तो आप इसको तो जानते ही हो बी एच थ्री बड़ा फेमस कंपाउंड है ठीक है बी एच थ्री तो इधर जो है आपके पास जो काम की चीज है ना वो ये है जो हाइड्राइड आइन बना है ये बेटा जो हाइड्राइड आइन है ना ये आपने एक दफा पहले रिएक्शन में भी ये नाम सुना है हाइड्राइड आइन एच के ऊपर जब नेगेटिव आइन नेगेटिव चार्ज होना तो उसे हाइड्राइड आइन और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अब अटैक कर सकता है तो ये देखो ये वैसे ही जनाब ये देखो ये हाइड्राइड आइन जो है ना ये कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और ये पाई बांड आगे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है और यूं आपके पास ये बेटा देखें जो है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर हाँ जी ये एंटिटी बन गई तो वहां भी यही बना था एल्कोक्साइड ऑक्साइड आइन वहां भी बना था कहने जारो रिएक्शन में और यहाँ भी यही सूरत हाल है हाँ दोबारा से देख लो हाइड्राइड आइन एज अ फाइल अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और ये पाई बांड आगे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव निगेटिव चार्जिकल में तो ये आपके पास सी एच थ्री ये एल्क और ये ऑक्साइड एल्क ऑक्साइड आइन जो है ना ये ठीक है ये पहला स्टेप हो गया हाँ तो मैकेनिज्म के दो स्टेप हैं पहला स्टेप हो गया जी अटैकिंग ऑफ एज अ न्यूक्लियोफाइल टू टू फॉर्म गिव ठीक है है दूसरा स्टेप क्या है? हाँ, पहले स्टेप बेटा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए दूसरा स्टेप में क्या है कि आप वाटर डाल देंगे वाटर डाल देंगे ठीक है हाँ आप आ, वो हाइड्रॉलिस हो जाएगी हाइड्रॉलिस हो जाएगी तो अब जो है ये क्या करेगा ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन चाहिए बस प्रोटॉन चाहिए तो वो ये ले लेगा तो ये देखो ओ बन गया और ये ओ नेगेटिव जो है ना ये निकल गया हाँ तो यूं बेटा ये अब अल्कोहल मुकम्मल हो गया ये क्या हो गया जी अल्कोहल हो गया हाँ तो ये सूरत हाल है ये दो स्टेप्स है पहली जो है क्या है जी बिल्कुल ड्राई कंडीशन में ये सारा होगा और दूसरा ड्राई नहीं रहेगा अब आप वाटर डाल देंगे ठीक है हाइड्रोलिस हाइड्रोलिस आपको पता ही है कि इसको कहते हैं पानी के टूटने को कहते हैं पानी को हाइड्रोजन आइन अलग और हाइड्राक्सल अलग तो ये कब होता है जब आप थोड़ा एसिड डालते हो तो एसिड आप डाल देंगे तभी ये पॉजिटिव बनेगा तो ये एसिड क्या करता है ये बाड क्लीवेज को बाढ़ के टूटने को आसान कर देता है तो एच पॉजिटिव अलग हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा अलकोल बन जाएगा नेगेटिव अलग हो जाएगा तो ये बेटा सूरत हाल है यूं आप अलकोल तक पहुंचे कहां से कहां तक एल से या कार्बोनिल कंपाउंड से आप आपअलकोल तक कैसे पहुंचते हो तो अब आपने देख लिया बेटा कि जो कैटालिटिक रिडक्शन है और रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड ये बिल्कुल मुख्तलि है हाँ उधर जो है वो दोनों हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाते हैं ठीक है कैटालिटिक रिडक्शन में एक कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे लेकिन इधर इधर क्या सूरत जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ये वैसे ही चल रहा है जैसे आपने चैप्टर के स्टार्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े कि न्यूक्लियोफाइल ने जी अटैक किया कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया

वही जो चैप्टर का नाम है एक दफ़ा आप एल्डिहाइड लेंगे एक दफ़ा आप कीटोन लेंगे लेकिन कीटोन अंडर दिस कंडीशन जो है ना वो रिएक्शन नहीं देते ठीक है अब होगा क्या कि एल्डिहाइड और अल्कोहल का एडिशन रिएक्शन होगा ठीक है हाँ जैसा कि ये हो रहा है और इसमें आपको ये जो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है आ, ये बड़ा अजीब सा वैसे आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन आ, वेरी सिम्पल यहाँ देखें ये आपके पास ड्राई एच सी एल यहाँ पे मौजूद है क्या है जी ड्राई हाँ ड्राई एच सी एल यहाँ पे मौजूद है तो ये एसिड कैटेलाइज रिएक्शन है दूसरे में तो ये क्या होगा एच आएगा एसिड कैटेलाइज रिएक्शन में एच एच सी एल जो है वो प्रोटॉन देगा एच पॉजिटिव जो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी हाँ कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए तो अब पार पार OH. तो अब अब ये कार्बन के के ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ओ एच आ गया क्या होगा ये ना ये इथाइल अल्कोहल जो है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना बेटा तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल फाइल यहाँ अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे तो यूं जो है क्या होगा बन जाएगा ये ये कंपाउंड यूं करके बनेगा ओ सी टू एच फाइव ठीक है इधर अटैक किया ये कार्बन बांड बन गया और इधर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है सिर्फ क्या है जी हाइड्रोजन ये कौन सा हाइड्रोजन था ये एसिड वाला जो प्रोटोनेशन हुई थी ना हाँ तो ओ एच ओ एच और इधर से C2, H5, o, आ, ओ -ओ -ओ -एच ने जो है ना वो अटैक किया है ओ का जो ओ के ऊपर चुके लोन पेयर मौजूद है जी जी के पर ने। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो ओ एच है ना बेटा ये वाला ओ एच ऊपर ये इसकी प्रोटोनेशन होगी ये मतलब है ओ पॉजिटिव h2 बन जाएगा तो ये समझो कि वाटर बन गया तो ये अब निकल जाएगा जो ये निकलेगा तो कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरी दफा फिर इथाइल अल्कोहल जो है ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यूं आ, आपके पास ओ c2h5 ग्रुप जो है ना कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएंगे ये दो दफा ये रिएक्शन होगा एक दफा एक ग्रुप अटैच अटैक हो और दूसरी दफा दूसरा uh, जो है वो हो जाएगा। तो ये याद रखें सारा का सारा क्या होना चाहिए ये आपके पास ड्राई कंडीशन में होना चाहिए यहाँ देखें एल डी हाइड कम्बाइंड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अच्छा जब ये देखें बेटा जब इसमें वाटर नहीं होगा ये बड़ी ये खूबसूरत पॉइंट आपको देने जा रहा हूं जब में वाटर नहीं होगा होगा तो फिर वो ड्राई कहलाएगा और उस वक्त तो उसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस वक्त कहलाता है जब उसमें वाटर होता है और वाटर होगा तो वो प्रोटॉन देगा प्रोटॉन देगा तो वो एसिड होगा तो एसिड के लिए पानी का होना जरूरी है जब पानी नहीं है तो वो एसिड नहीं है फिर उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बजाय क्या होगा होगा जी हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है टू फॉर्म ए तो ये बेटा ए बन गए ठीक है तो ये ये नाम भी देख लें ये इथाक्सी ग्रुप जो है ना दो इथाक्सी ग्रुप कार्बन नंबर वन के साथ अटैच है वन और ये कार्बन नंबर टू तो ये वन वन डाई इथाक्सी इथेन बन गया ठीक है ए इसको कहते हैं हाँ एसीटोन अपना सॉरी ए सीटे के से ए सिटाल अच्छा अब वो क्या है Uh, कहते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक्ट एज ए कैटलिस्ट जी ये कटलिस्ट के तौर पे काम करी एसिड एसेलाइज रिएक्शन जैसे आपको पहले बताया कि ये अपना प्रोटॉन देगा ये कार्बन ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी और यूं कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से इथाइल अल्कोहल जो है के तौर अटैक बोथ अल्कोल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मस्ट बी ड्राइड हाँ जी ये सारा रिएक्शन फुल टाइम ड्राइड होना चाहिए वाटर का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए ठीक ओके जी अब इस रिएक्शन का हमें फायदा क्या है साइंटिस्ट केमिस्ट इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं बेटा होता है ये है कि सम टाइम आ, हम चाह रहे होते हैं कि एक ही कंपाउंड के अंदर ना एक ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल और एक और फंक्शनल कोई और फंक्शनल ग्रुप भी है ठीक है हम चाहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं और इसकी ना करवाएं जी दूसरे फंक्शनल ग्रुप की करवा लें वो कोई और फंक्शनल ग्रुप है सपोज अल्कोलिक है ठीक है उसकी हो जाए ऑक्सीडेशन और इसकी इस कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप की ना हो हम ये चाहते हैं तो अब इसको प्रोटेक्ट करना है तो ये जो है ना प्रोटेक्शन हो रही है ये रिएक्शन जो है ना प्रोटेक्शन अब जो है ना कार्बोनल ग्रुप की प्रोटेक्शन होगी ये कंपाउंड बन गया कार्बोनल कंपाउंड जो है ना वो प्रोटेक्ट हो गया अब कार्बोनल कंपाउंड कार्बोनल ग्रुप इधर रहा ही नहीं प्रोटेक्ट हो गया अच्छा अब होगा क्या बला आप करवाएंगे ऑक्सीडाइज ये अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो डालेंगे और जो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है इसके अलावा कार्बोन हो जाएगा और ये बच जाएगा ये क्या है जी? ये बच जा, बच जाएगा तो ये जो ऐड हुआ है ना इसने क्या किया कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिए ठीक है अच्छा उसके बाद ये लिखा हुआ रिएक्शन मे बी यूज टू तो प्रोटेक्ट एल ग्रुप

तो आप क्या करेंगे उसकी जस्ट हाइड्रोलिसिस कर देंगे उसकी क्या कर देंगे जस्ट हाइड्रोलिसिस तो इसकी हाइड्रोलिसिस करने से ना वही एलडीआईड दोबारा जन, रीजनरेट हो जाएगा दोबारा बन जाएगा समझ आइए हाँ तो ये देख लें ये एसिड डालने पे जो कि ऊपर मना किया गया था कोई वाटर नहीं होना चाहिए नो हाइड्रोलिसिस ठीक है तो यहां पे आपने वाटर डाला साथ थोड़ा एसिड डाल दिया तो क्या हुआ है भला यही रिएक्शन रिवर्स हो गया ठीक है ना जस्ट टू रीजनरेट एल कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये देख लें कार्बोनल यही थे ना शुरू में आजी। आ, एसेट था और साथ दो इथाइल थे, तो इधर वही दोबारा बने ना दो इथाइल इथल और आ, जो आपके पास है आ, आ, एसेट या एथनॉल जो भी नाम रख ले तो ये बेटा सिचुएशन है हाँ जी हाँ तो ये प्रोटेक्शन साइंटिस्ट इसको